नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 51 एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनको हम जवाब देते हैं। और हमारे ट्रैक्टर टॉक के 50वें एपिसोड पर भी कई सारे किसान भाइयों ने हमें इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे। उन्हीं सारे सवालों को आज हम देने वाले हैं जवाब। तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। पहला सवाल पूछ रहे हैं बिरांची मिश्रा जी। सर, मैं आपका हर एक एपिसोड देखता हूँ, आप अच्छी राय देते हो। हमारे यहाँ काली हार्ड मिट्टी है, मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, स्वराज 744 XT या न्यू हॉलैंड एक्सएल 4710 IV को इंजन। सर, पहली बात तो स्वराज 744 XT आता है 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में, काफी अच्छा ट्रैक्टर है। आपको इसमें सिर्फ टू व्हील ड्राइव वारंटी अवेलेबल है। ट्रैक्टर के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस देखे जाए तो स्वराज 744 XT बढ़िया ट्रैक्टर है। और अगर आप न्यू हॉलैंड में ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर, क्योंकि ट्रैक्टर में आपको फोर व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है, ज्यादा गियर स्पीड भी मिलते हैं और ट्रांसमिशन में भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको कौन कौन से इंप्लीमेंट चलाने हैं उस हिसाब से आप ट्रैक्टर ले सकते हो। स्वराज 744 XT और न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है। अगला सवाल पूछ रहे हैं शोले गेमिंग। सर, भूमिपुत्र यूवो और नोवो में फर्क क्या है, 50 HP में खपत अलग अलग होगी क्या, तीनों सीरीज में प्लीज बताइए। जी सर, तीनों ही सीरीज के 50 HP के ट्रैक्टर में भी आपको डीजल खपत अलग अलग देखने को मिलेगी। हालांकि महिंद्रा के ही ट्रैक्टर्स है तो आपको फ्यूल इफिशियंसी में ज्यादा फर्क, तो आपको फ्यूल इफिशियंसी अच्छी खासी मिलेगी अगर आप दूसरे कंपनी के ट्रैक्टर से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन आज मैं आपको भूमिपुत्र यूवो और नोवो सीरीज में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। नॉर्मली भूमिपुत्र जो सीरीज है वो आती है विंटेज लुक्स के साथ, यानी पिछले 15 सालों से आप जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर्स देख रहे हो उसी लुक में आपको ये ट्रैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इन ट्रैक्टर्स की फ्यूल इफिशियंसी काफी ज्यादा है और इनकी कीमत बाकी दो सीरीज के ट्रैक्टर्स के मुकाबले कम है। जहां तक बात की जाए यूवो सीरीज की तो इसमें आपको काफी अट्रैक्टिव लुक्स मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको ज्यादा गियर स्पीड मिल जाते हैं, जैसे कि 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर का ऑप्शन आपको इसके साथ अवेलेबल है। भूमिपुत्र सीरीज में आपको पार्शियल कांस्टेंट मेश या फिर स्लाइडिंग मेश मिलता था, यहाँ पर आपको फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स मिल जाता है। आपको इसमें डबल क्लच अवेलेबल है, SLI PTO भी आपको यूवो सीरीज में देखने को मिल जाता है और जाहिर सी बात है ज्यादा फीचर्स है तो यूवो सीरीज की कीमत भूमिपुत्र सीरीज से ज्यादा है। जहां तक बात है नोवो सीरीज की तो नोवो सीरीज चालू होती है 50 हॉर्स पावर से, इसके भी लुक्स काफी अट्रैक्टिव है। इसमें आपको सस्पेंडेड पेडल्स मिल जाते हैं, ज्यादा गियर स्पीड ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको इसमें शटल शिफ्ट मिल जाते हैं, पार्शियल सिंक्रोमेश गियर बॉक्स मिल जाता है और 56 हॉर्स पावर में लोगे तो आपको AC केबिन भी अवेलेबल है। तो आप डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि भूमिपुत्र जो सीरीज है वो थोड़ी सी पुरानी है। अगर आपके पास 4-5 एकड़ खेती है, आप नॉर्मल इंप्लीमेंट से चलाते हैं जैसे कि रोटावेटर, कल्टीवेटर, प्लॉ, तो आप भूमिपुत्र सीरीज के साथ जा सकते हैं। आप नए इंप्लीमेंट चलाना चाहते हैं, पोटैटो प्लांटर जैसे इंप्लीमेंट चलाना चाहते हैं जहां पर प्रिसिजन हाइड्रोलिक्स की जरूरत है, वहां पर आप यूवो सीरीज ले सकते हो। और अगर आप कमर्शियल काम करते हैं तो आप नोवो सीरीज के साथ जा सकते हो। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं ओम नेट के जी। मैं ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूं, मैं 585 टेक प्लस लू या कुबोटा 50 HP के 2022 नया ट्रैक्टर लू, इसके बैकअप टॉर्क में कौन सा बेहतर है और कौन सा हैवी ड्यूटी काम कर सकता है। ओम जी, आपको बताना चाहेंगे कि 585 टेक प्लस हाल ही में आया है तो इसके बैकअप टॉर्क के बारे में फिलहाल तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कुबोटा MU5502 में आपको 35% का बैकअप टॉर्क मिलता है। जहां तक बात है हैवी ड्यूटी काम करने की तो 585 टेक प्लस और कुबोटा MU5502 दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, दोनों ही हैवी ड्यूटी काम भी कर सकते हैं। हालांकि कुबोटा MU5502 का रिव्यू जल्द ही आने वाला है तो सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को। लवकुश पांडे जी हमसे पूछ रहे हैं, आपने बताया हर ट्रैक्टर कंपनी अपने अपने ट्रैक्टर्स अलग अलग CC देती है, आयशर भी सिमसंग का ही इंजन यूज कर रहा है और मैसी भी, तो मैसी 7250 आयशर 5660 दोनों में ही 50 HP के ट्रैक्टर है, फिर CC क्यों है अलग अलग,
सीसी अलग होने में डीजल का कुछ फर्क पड़ता है क्या? लोको जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसा जज कर रहे हो कि सिम्पसन का इंजन दोनों ही ट्रैक्टर्स में है, लेकिन सिर्फ सिम्पसन का इंजन लेकर हर ट्रैक्टर कंपनी अलग से अपना जो इंजन है उसका ट्यूनिंग कर रही है, तो उस हिसाब से उसका डीजल एवरेज भी रहेगा और सीसी भी रहेंगे। जैसे कि आपको भी पता होगा कि आयशर 5660 से ज्यादा मैसिव 7250 मार्केट में ज्यादा चला है, क्योंकि मैसिव में आपको काफी अच्छा हाइड्रोलिक्स देखने को मिल जाता है। मैसिव 7250 में काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल है, तो किशन भाई अपने जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर ले सकता है 46 हॉर्स पावर से लेकर 50 हॉर्स पावर में। तो दोनों के सीसी अलग होने के कारण यही है कि दोनों ही कंपनियां इंजन को अलग अलग तरीके से ट्यून कर रही है। इसी श्रेणी में इसी इंजन के साथ और एक कंपनी का ट्रैक्टर आता है जो इससे भी ज्यादा फेमस है। आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। मुकेश सतवेकर जी हमसे पूछ रहे हैं, जॉन डीयर 5310 गियर प्रो पर वीडियो बनाइए। मुकेश जी, जल्दी आपको 5310 गियर प्रो का फील्ड रिव्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम डेमो भी आपको दिखाने वाले है, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों की रिक्वेस्ट है कि CRDI पंप वाला 5310 कैसे काम कर रहा है, ये हमको देखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुरेश खवरे जी हमसे पूछ रहे हैं, 50 HP के ट्रैक्टर लेना है, महिंद्रा 555 अल्ट्रा 1 कैसा रहेगा? काफी बढ़िया ट्रैक्टर है सुरेश जी, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 2100 RPM पर काम करता है, 4 सिलेंडर इंजन है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर है, आपको इसमें पावर स्टीयरिंग और मैकेनिकल स्टीयरिंग दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन आप पावर स्टीयरिंग लीजिएगा। पीछे के टायर में आपको 16x28 के टायर्स मिल जाते हैं, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स भी अवेलेबल है, हाइड्रोलिक कैपेसिटी 1850 किलोग्राम की है, तो ओवरऑल ट्रैक्टर काफी बढ़िया है, आप ले सकते हैं। आदेश देवकर जी हमसे पूछ रहे हैं, सर हमारा 10 एकड़ खेत है, सारे उपकरण चलाने हैं, हमें कितने HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए, 2-व्हील ड्राइव या 4-व्हील ड्राइव? आदेश जी, आप कौन से इंप्लीमेंट्स चलाना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपको 4-व्हील ड्राइव लेना चाहिए या 2-व्हील ड्राइव। मान लीजिए आप हैप्पी सीडर चलाना चाहते हैं, आपके पास 2 MB प्लॉ है हाइड्रोलिक, तो आप 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिए, काफी बढ़िया होगा आपके लिए। अगर पडलिंग के काम भी है तो 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बेहतर ऑप्शन है। और मान लीजिए आप ट्रॉली ज्यादा चलाने वाले हो, आपके यहाँ पर पडलिंग के काम नहीं है, आप नॉर्मल प्लॉ चलाते हैं, तो आप 2-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले सकते हैं। फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि 10 एकड़ खेती है और सारे उपकरण चलाने हैं, तो आप 50 हॉर्स पावर का 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिए या फिर 55 हॉर्स पावर का 2-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 45 हॉर्स पावर का 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। नीलेश रबनीश जी हमसे पूछ रहे हैं, कुबोटा MU4501 2-व्हील ड्राइव में रियर टायर 14x28 का आता है, बट 4-व्हील ड्राइव में रियर टायर 13 का आता है, ऐसा क्यों? और हम 4-व्हील ड्राइव में भी रियर टायर 14x28 के लगा सकते हैं क्या? नीलेश जी, आपको बताना चाहेंगे कि नॉर्मली 4-व्हील ड्राइव सीरीज जो है वो पडलिंग के लिए बनाई जाती है, और पडलिंग के लिए 13x28 के टायर्स एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, इसलिए आपको कंपनी फिटेड 13x28 के टायर्स आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 14x28 के टायर्स भी डलवा सकते हैं, या फिर आप डीलर से बात करके नया ट्रैक्टर लेते वक्त भी 14x28 के टायर्स ले सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं संकेत बोराले जी, ड्यूट फार पर बात कीजिए। संकेत जी, जल्दी हम सामेट ड्यूट फार का 80 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू करने वाले है, और हमारे किसान भाई ने वो ट्रैक्टर क्यों लिया, इस्तेमाल करने के बाद उनको वो कैसा लगा, सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। आपको बस हमारे खेती कड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल। 47 सागर गेमिंग जी हमसे पूछ रहे हैं, सर जे 47 हॉर्स पावर महिंद्रा ट्रैक्टर SP+ 575 टेक प्लस कितना HP है, कौन सा अच्छा है? समर जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि 575 SP प्लस और 575 टेक प्लस दोनों ही 47 हॉर्स पावर की श्रेणी में आते हैं। रही बात कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है, तो 575 SP प्लस का हमने पूरा टेस्टिंग किया हुआ है, कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है, तो ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया है हर कामों के लिए। जहां तक बात है 575 टेक प्लस की, तो इसमें कई सारे बदलाव है, हाइड्रोलिक में बदलाव है, ट्रांसमिशन में बदलाव है, इंजन में बदलाव है, तो एक बार इसका फील्ड रिव्यू आ जाएगा तो और क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यही थे कुछ गिने चुने सवाल जो आपने हमें #TractorTalk लगाकर पूछे थे। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे #TractorTalk लगाकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप भारत में उपलब्ध कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन।
हमारे एप्लीकेशन द्वारा आप नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, अपना पुराना ट्रैक्टर बेच सकते हैं, पुराना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, अपना ट्रैक्टर रेंट पर दे सकते हैं तथा आप अपनी कृषि के लिए जरूरी औजार और फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान, जय किसान।